आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन को लेकर के? तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका, जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ये बताने से पहले कि गेस्ट कौन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज हैं, मोटिवेशन और एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है, और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है, जो कि हमारे गेस्ट हैं। उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली खान सर। क्या हाल चाल जी, कैसे हैं आप? इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या इंटरेक्ट करे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी। जो बच्चे हैं वो आपके इतने दीवाने क्यों हैं, इतने पागल क्यों हैं आपके पीछे? मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा था खान सर कब आएंगे, खान सर कब आएंगे। मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ऊपर? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, हमारे पे भी इतना कमेंट आया इतना। मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का तो एग्जैक्ट है वही पढ़ाना है। तो देखिए, हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है, कि अगर लड़का पढ़ने आया ना, उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए। हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ, याद करके नहीं। प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं, आई थिंक वो सबसे कम है, वो बहुत ही कम है। सर, ये जो फीस का कल्चर है, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है, उस हिसाब से वो सही है। ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे एजुकेशन जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे की वजह से वो खान सर के यहां से लौट गया। क्या बात है। मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है कि ये पिछले 3 साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है। हमको जब चैनल शुरू हुआ तो एक दिन में हम 4-5 वीडियो बनाए। एक हमको कुछ आता, आज भी नहीं आता इतना, तो हम देख के कैमरा वैमरा तो हम कंफ्यूज हो गए, बाप रे। तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया, पढ़ाने वाला टॉपिक था, हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं, 6-7 वीडियो एक ही बार शूट कर लिए। और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था, मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम, और कैमरा 35,000 का था, तो 6 महीना इसी में लग गया, जो 35,000 इसी में फंस जाएगा। तो उनके कैमरे से शूट किए, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ ही दिए। लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे, तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया, तब हमको याद आया कि ओहो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पे। तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया, और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट चलता रहता है ये बात। हाँ। हम देखिए, जब हम गुलाम थे ना, तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल, मेंटली 1,000 साल कर देंगे। उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती, पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है, टीचर की इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझाना, वो समझा कि नहीं समझा। अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है। लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे? हम कह रही तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पर। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है कैंसर का, मानना पड़ेगा। और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की डेट में 17 मिलियन है। और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले कि ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है, तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं? क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो, बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर।
और मैंने YouTube पे देखा कुछ वीडियोस में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे। कुछ गिरे थे, कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था, फटा नहीं वो। मतलब आपके आसपास? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से। बस फर्क ये है कि आपके हाथ में कलम है, हथियार ना हो करके। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है। हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का, पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है। हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं, पुलिस वाला लाठी है वो, पुलिस वाला लाठी है, और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से, है ना। तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं आपसे, और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे, है ना। और एक और क्वेश्चन सर, यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि मुझे मतलब कुछ इशू करना है सर, ठीक है। और संदीप सर को देख लिए, मेरा तो वैसे ही हो जाना है। क्या हो जाना है मेरा? पूरा कंप्लीट करो। I'll be an IAS officer next year because I have seen you sir. My day is like complete sir. All the best. Thank you so much sir. Thank you. पूरा बोला करो। Thank you. देखिए, लड़कों को जहां तक पीटने की बात है, जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग से होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि बस एक ही चीज बेहतरीन ढंग से होगा। और डर का होना बहुत जरूरी है। ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे ना तो डर के भागिए मत। एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा और करने की जरूरत है, फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप। तो लड़कों के अंदर ये डर बनाना भी जरूरी रहता है। और रही बात यूपीएससी वाले की, जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की, क्योंकि 2-2.5 लाख फीस सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा वही रहता है, हम तो ज्यादातर हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला, सब्जी वाला, यही लोग, इनको तो 2.5 लाख रुपया, इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है, फीस कहाँ से भरेंगे वहाँ पे, उसके रहेंगे कहाँ से। तो ऑल ओवर इंडिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है। यही कुछ 1000 रुपये मंथली 12-14 हज़ार साल का पड़ेगा, खत्म हो जाएगा इतना में। ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही, ये सच है? मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो? पुलिस का ही है वो। और मारते हो? हाँ। कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा काम करता है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे कैमरे पे, ऑन कैमरा जैसा भी रहे, कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है। एक तो कोई मतलब विधायक जी थे, उनके लड़का को पीट दिए, तो चला दल बल लेके अपना वहां पे। उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पीटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पीटा है। बाद में पता चला हम पीटे हैं, तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे। सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आप दोनों का? फौजी को डरे नहीं लगता है। बाकी अफसर से पूछिए। आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था, लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है, और यही आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है। आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती हैं? 6-7 घंटे। अभी भी खुद ही करते हो आप? हाँ, हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं। हम 1:30-2 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, परेशान रहते हैं। अरे इतना क्यों करते हो, है ना? कभी तो उनको भी साथ साथ लगना पड़ता है, उनको साथ साथ लगना पड़ता है। हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा, परेशान रहते, दिन में सोते ही नहीं है बेचारा, कहीं कहीं जाके सोते रहता है। हम सीट बांध दिए, भाई तुम इस समय सो जाना, तुम इधर सो जाना। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी। मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे,
जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम चार लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या राय है, तू बता तेरी क्या राय है, तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीजन है मत कर, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में आया सीधे बता गड़बड़ा जाएगा तुम वहाँ पर। पहले आपको R&D करना पड़ता है, समझ में आ कि नहीं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पे स्टिक कैसे रहें, ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है। जैसे आपने चार लोगों से डिस्कस किया, कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि वो जो बोल रहा है उसका बेसिस क्या है, क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो। अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है, फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहा है, दोनों ही मायने रखता है। उसके बाद में रिसर्च करनी है, और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए। अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था, और वो सेम भी हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे, हाउ टू डील प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजीनेस। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना, तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। उसको आप उस पर हावी में, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पे ले जा करके उस गोल को तोड़ दो। यानी वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेक डाउन करो, उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है। अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली, तो बाहर जा करके जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे दो। अब फंस गए ना, तो फंसा दो अपने आप को। दिमाग ये लगाओ कि अपने आप को कैसे फंसाया जाए। जब हम फंस जाते हैं ना, तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है। देन देयर इज नो लुकिंग बैक। जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, वो चीज टलती चली जा रही है। तो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो, दैट इज नंबर वन। और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता, वो भी संडे को आराम कर रहा है। वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना, तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है। हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है। ये परफेक्ट एग्जाम। किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे निकल, वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा। एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा यहाँ एक खत्म हो गया, अब दूसरा करना चाहिए। और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया, अरे आराम करना चाहिए, कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक। सर यहाँ पे सब हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, मैं भोजपुरी में पूछूं? जोन भाषा ठीक लगे तोने में पूछ दो। हाँ सर। सर ये पूछे के चाहते नहीं कि जिसे हमने क्या पढ़ाई करी नहीं सर, तो कभी कभी डेली टारगेट्स जो होला कंप्लीट ना होला, अगर टारगेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर वो एंजाइटी या फिर कि और करना है या फिर अभी नहीं हुआ वो चीज हमेशा रहला, तो वो कम कैसे करल जाए। देखिए टारगेट्स को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले। कोई लड़का 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के 8 घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक एक घंटे को
बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं, अगले एक हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए। जिम में कैसे करते हैं लोग, पहले दिन उठा लीजिएगा एक क्विंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए। हर इंसान की क्षमता अलग है। कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा, पैर तोड़ के बैठ जाएगा। अब संदीप सर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे, ढकेल देंगे तुमको। हालांकि ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं, क्षमता पता होना चाहिए। आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है। आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है। आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंजाइटी होती है। तो आपको एंजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया, दिन में मानो 8 घंटे का आपने टारगेट सेट किया और 6 घंटे पढ़ लिया, या मान लो 8 घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एंजाइटी हो रही है कि मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा। तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना, ये तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की क्वालिटी है। क्योंकि एंजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है, जिसको परवाह है, उसी की तो एंजाइटी होती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है। हंस लो मजाक उड़ा लो मेरा। कोई बात नहीं, एडिट कर देंगे इसको हम। हाँ। जैसे एक माँ है उसको अपने बच्चे को लेकर के एंजाइटी होती है, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंजाइटी होती है, चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है। तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, इस वजह से आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, विच इज नॉर्मल। जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना। सर आपकी स्टोरी हमने सुनी थी, तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे, उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहाँ से वापस जाना है? रास्ता ही नहीं था। घर जाने के लिए एटलीस्ट 90 रुपये चाहिए थे, जेब में 40 रुपये थे, कैसे घर जाते हैं? और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहें कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए, रूम पे, तो किराए के रूम पे ही आदमी सारे लोग रहते, गए वहाँ पे तो रूम लॉक हो गया था। तुम खटखटाएं तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे, क्या टाइम हो गया है? तुम कहीं 9-10 बज रहा होगा, घड़ी देखिए तो, देखिए तो 2 बज रहा था रात का, 2:30 बज गया था वहाँ, टेंशन में आप। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो बातें आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स, ये वो, ये तो बहुत लोगों ने फेस करी वहाँ पर, आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखी, बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी, लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने कि आप हुए। तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्या था जहाँ से कि आपका दिमाग यहाँ तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूँ, एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ। ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है। मेरी एक खुद की थिंकिंग, अगर हमको कोई 100 रुपये किसी काम के लिए दिया, हम सबसे यही कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे 200 का रिटर्न दे। अगर कोई हमसे 200 रुपया फीस दे रहा है, 250 दे रहा है, तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10-20 हज़ार का पढ़ लिया यहाँ पर। वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस एक्स का करते हैं तो डिलीवर 4x करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को, अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में। एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ भी करना ना पड़े। दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है। तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपये भी लिया, देखा जाए तो 200-250 रुपये कुछ भी नहीं होता है, 200-250 रुपये अगर मैंने लिया तो कैसे उसको 400 रुपये की वैल्यू दूं। ये जो थिंकिंग है ना, यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियोकर रह जाता है। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है सर, ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है? बनते रहता है, इसे फ्लो फ्लो में बन जाता है।
आपके अंदर ना सर एक कवि छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, जो बाहर आना चाहता है, कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ? हाँ कभी कभी। देखिए एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है इस चीज को हमेशा। संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं, संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना, हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है, खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है। तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कंपटीशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार लड़का कमेंट करता है कि खान सर इतना ले रहे हैं आप, बहुत बड़ा टीचर हो गए। खान सर ये क्लिप है, ये समय और समझदारी में बहुत फर्क होता है। अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया, लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई फिर तो बेकार है। तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब एंड टाइम पर दिखे। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ? यही होता है सर, नहीं सर का मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनना। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंटरेक्ट करके। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच जी।